ರಾಣಿ. ಏ ರಾಣಿ, ಯೆ ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಬನಾ ರಖಾ ಹೈ? ಮಹಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಅಂಧೇರಾ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ಕೆ ಯೆ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಬಿಖರೆ ಹುಯೆ ಕ್ಯೂಂ ಹೈ? ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹುಯಿ, ಕ್ಯಾ ದಿಕ್ಕತ್ ಬನಿ? ಮೇರೆ ಕೇಸ್ ಜೋ ಬಿಖರೆ ಹುಯೆ ಹೈ ಐಸೆ ಹಿ ಬಿಖರೆ ರಹೆಂಗೆ ಔರ್ ಆಜ್ ಆಪ್ ಮೇರೆ ಸೆ ಬಾತ್ ಮತ್ ಕರಿಯೆ, ಮೈ ಆಪ್ ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ನಹೀ ಚಾಹತಿ. ರಾಜಾ ಸಾಲ್ವಾನ್ ತೋ ಚಿಲ್ಲಾ ಮೇ ಲೇಕೆ ಜಾ ರೋ ಹಾ, ಬಾಬಾ ಭೀ ನಿಹಾರ್ ಗೋ ರಾಣಿ ಕಿ ತರಫ್ ಚಲೋ, ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀ, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಥೋಡಾ ಬೇಸ್ ಕಮ್ ಕರ್ದೆ ಭಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಸುನ್ ಲೇ, ಸುನಾಯಿಯೆ. ಮೈ ಇತನೆ ದಿನ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೈ ಮಹಲೋ ಕೆ ಅಂದರ್ ಆಯಾ ಹೂ, ತೂನೆ ಮಿಲ್ವಾಯಾ ಹೈ, ಐಸೀ ಪರೇಶಾನಿ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಿ, ಐಸೀ ಕ್ಯಾ ದಿಕ್ಕತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಬನಿ, ಜೋ ಇತನಿ ತೇರೇ ಚೆಹರೇ ಪೇ ಉದಾಸೀ, ತೇರೇ ವಸ್ತ್ರ ಭೀ ಝೀರಮ್ ಝೀರ್ ಹೈ, ಕೇಸ್ ಬಿಖರೇ ಹುಯೇ ಹೈ, ಔರ್ ಇಸ್ ಮಹಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಅಂಧೇರಾ ಛಾಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಬಾತ್ ತೋ ಮಹಾರಾಜ್ ಐಸೀ ಹುಯಿ ಹೈ ಕಿ ಮೇರಾ ಜೋ ಮನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಮೇರಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಮೇರೇ ಸೆ ಬಾತ್ ಮತ್ ಕರಿಯೇ. ಓಹೋ ರಾಣಿ, ಐಸೀ ಬಾತ್ ನಾ ಕಹೇ, ಆಖಿರ್ ತೋ ಏಕ ರಾಜಾ ಕಿ ರಾಣಿ ಹೈ, ಔರ್ ಯೇ ಬಾತ್ ತೇರೇ ಮುಂಹ್ ಸೆ ಶೋಭಾ ನಹೀ ದೇತಿ. ಔರ್ ಕೈಸೀ ಬಾತ್ ಶೋಭಾ ದೇತಿ ಹೈ ಮಹಾರಾಜ್, ಮುಝೇ ಆಪ್ ಹೀ ಬತಾಯಿಯೆ ಕಿ ಕೈಸೀ ಬಾತ್ ಶೋಭಾ ದೇತಿ ಹೈ ಮುಝೇ? ಆಪ್ ಅಪ್ನಿ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಖಡಿ ಹೋ ಜಾಯಿಯೆ ಔರ್ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಕಹಿಯೆ ಔರ್ ಮೇರಿ ಸುನಿಯೆ. ನಹೀ ಮಹಾರಾಜ್, ಮೈ ಆಜ್ ಖಡಿ ನಹೀ ಹೂಂಗಿ. अच्छा पड़ी रहेगी? बिल्कुल. तो मेरी बात सुन ले. सुनाइए. उठ क्यों तले पड़ी मने मत ना छेड़े भरतारी. नहीं रानी, ऐसी बात तू नहीं अपने मुंह से कह भी कैसे दी, आखिर मैं तेरा पति हूं. अच्छा हाँ, कहिए. यहां से लेना भाई कैमरा मैन. उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार, खेत में बोलिया ना चाहती, ओए अंधेरे गुपार महल में दीवाना बाती. उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार, तेरे ते में बोलिया ना चाहती, ओए अंधेरे गुपार महल में दीवाना बाती. उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार. और भाई मैं सब जानू तेरा दूर का, जैसा हो मता, ओ जैसा हो मता, और हीव पढूंगी हिंदू है तने, लाग जहां पता जड़े तने, लाग जा पता. मैं सब जानू तेरा दूर का, जैसा हो मता, जैसा हो मता, हीव पढूंगी हिंदू लाग जा पता, जड़े तने लाग जा पता. बता के खता हुई मेरे से, मैं इब तक बहुत डरी तेरे से, बता के खता हुई मेरे से, इब तक बहुत डरी तेरे से, मैं अपने घर चली जाती, घर में मार ले, घर में मार ले जूत बाहर में, मानस बन जाती. उठ क्यों
मेरी बात सुन ले, सुनाइए महाराज। इधर आजा रानी, ये जहां तक भी दूर दूर तक तेरी नजर जाती है, अच्छा सारा राजपाट तेरा है, सब कुछ तेरा है, अच्छा और तेरे लिए किसी ने कुछ भी कहा हो तो उसका मुझे नाम बता दे, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। मुझे तो कहीं राजपाट दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ज्वार बाजरे खड़े हैं। ज्वार बाजरे वो रखे हैं, तुझे पता नहीं है जमींदारा भी है हमारे? अच्छा, और मुझे तो पता ही नहीं था कि जमींदारा भी है। पता होनी चाहिए तुझे, क्योंकि तू नई है। हाँ। समय लगेगा तुझे जानने में, मैं तुझे बता रहा हूँ। इतना बड़ा संसार है, संसार के अंदर बहुत बड़ी जागीर है इस राजा श्यालधान की। तुझे किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम एक राजा की पत्नी हो, एक रानी हो, और फिर भी ऐसी बात करती हो, मरने की बात करती हो। तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अच्छा, और कही अपनी बात। सुनिए, मेरी छाती के मरा, अरे बाग बगीचा किला बावड़ी, सब तेरी जाजात रह रानी, सब तेरी जाजात, और तर बोलिया न केर दई मेरी छाती के मरा, मेरी छाती के मरा। तेरे से बात कौन प्यारा से, जो भर नगर शहर थारा से, तेरे से बात कौन नगर शहर थारा से, अडे मेरा कोई ना साथी। अरे किसने के, अरे किसने के कह दिया नार क्यों, रो रो डकराती उठ क्यों, अरे बड़ी तेरी नार मते से डरता थे, बोला ना चाहती। अरे अंधेरे गुफार महल में दीवाना बाती उठ क्यों, अरे बड़ी तेरी नार। मेरी बात सुन ले, सुनाइए। फायदा कुछ नहीं, अपने घर को खराब करके बैठ जाएंगे हम दोनों। अच्छा, घर तो महाराज खराब हो चुका होगा, नहीं खराब हो चुका दादा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और मुझे ऐसे दिखा घर बिगाड़ने में इसका भी हाथ हो। बिल्कुल, एक बार तो खड़ा हो गया, इसने माहौल ही खराब कर दिया। हाँ, तेरी नजर तो नहीं पड़ी होगी पर हमारी पड़ गई है इस पे। अच्छा, मेरी बात सुन ले, सुनाइए। न्यारे न्यारे रहने में कोई फायदा नहीं है, उम्र का लिहाज कर ले, थोड़ा सा मेरी बात को समझ जा। अच्छा, हाँ, उम्र का लिहाज तुम्हारा जो आपको करना चाहिए, जो काम मेरे साथ हुआ है मुझे लिहाज नहीं बल्कि लिहाज आपको करना चाहिए। साथियों, आज राजा श्यालभान निवेदन कर रहा है रानी से, लेकिन रानी उसकी बात को मानने के लिए राजी नहीं। रानी के सामने कितनी मिन्नत निवेदन करता है, लेकिन बात का जवाब बहुत तीखे शब्दों में दे रही है। तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया है कवि ने, क्या लिखा भला? कुछ भी जाए, हाँ, लेकिन मरण नहीं दूंगा तुझे मैं। बिल्कुल मर जाऊंगी, और अभी मर जाऊंगी। दादा मरने के लिए कह रही है? हाँ, जो कह रहे हैं ना मरे, मरेगी बिल्कुल नहीं, बेकारी है। अच्छा, हाँ कह दे, न्यारे न्यारे बैठ
डंडा छूटेगा मर के। अरे नारे नारे बैठ गए तो बंदर से गिर गए, बंदर से गिर गए। और यो तो मैं भी जानू रे पेंडा छूटेगा मर के, यो पेंडा छूटेगा मर के। अरे कुछ हिरा रे अरे कुछ, अरे कुछ करके है बैठ समाई, थारी तोनू आकी ना बनू लुगाई। अरे कुछ करके है बैठ समाई, थारी तोनू आकी ना बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती कवे इसे भगत पे, कवे इसे भगत पे दोस मार री। पाप रूप गाती उठ क्यों मैं पड़ी मेरी ना, मते ना छेड़े भरतार तेरे समय की ना बनू लुगाई। हाँ। वह दूसरा कौन है? तलवार में धार इतनी तेज लगी हुई है कि दूर से भी चमक मार रही है। महाराज आप कह रहे हो कि तलवार में धार इतनी तेज लगी हुई है कि दूर से भी चमक मार रही है, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आप मुझे वचन दीजिए कि उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सच्चाई को तो बता दे पहले, उसी के बाद बिल्कुल बताऊंगी, पहले आप वचन दीजिए। सारी बात वचनों में नहीं हुआ करती रानी। अच्छा हाँ। पहले आपको वचन देना पड़ेगा और जब मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या बात हुई है। भाई वचन दे दूंगी, देना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? वचन दे दिया तो उसका नाम बता दे मुझे। महाराज उसका नाम आपका बेटा पूरणमल है, जिसने मेरे साथ ये काम किया। मैं आपको रानी नहीं सकती। आप क्या कह रही है, आपको मालूम भी है आप क्या कह रही है? बहुत अच्छी तरह से महाराज मालूम है कि मुझे मैं क्या कह रही हूँ। आपको कुछ भी मालूम नहीं है? सब मालूम है मुझे। जिस समय 12 साल के बाद पूरणमल को भौरे से बाहर निकाला गया था, एक से एक राजा महाराजा रिश्ता लेकर के आए थे, लेकिन पूरणमल ने साफ इनकार कर दिया था और ये कह दिया था कि मैं आजीवन गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा। अच्छा, तुझे मालूम होना चाहिए मेरा पूरणमल एक जति मर्द है। महाराज वो तो पूरणमल ने ऐसी आपकी नजरों में नंबर बनाने के लिए कह दिया था। नंबर बनाने के लिए नहीं रानी, सच्चाई पे आ जा, बात बता दे क्या है पूर्णमल का नाम, तू गलत ले रही है। नहीं महाराज मैं बिल्कुल सच्चाई की बात बताती हूँ। साथियों झूठी साची बात बता करके राजा सालभान को भला देती है वो रानी। और अंतिम कली के अंदर पंडित लक्ष्मी चंद ने अपनी रागनी का तोड़ करते हुए क्या हवाला लिखा, भला क्या दर्शाया। पूरन मलने आग बाल दिए गेर के माती, कदब ना खोट, कदब ना खोट मरवा दे देखिए। डे भर तारे उठ क्यों तड़े पड़ी मैं।